उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 12, हम कहाँ के सच्चे थे। कहानी तीन कजन्स के गिर्द घूमती है, असवद, महरीन और मिशाल। असवद आजिज और मिलनसार है और मिशाल और महरीन दोनों के करीब है। मिशाल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है और असवद से मोहब्बत करती है। महरीन गरीब और सादा है लेकिन असवद से वो भी मोहब्बत करती है। महरीन, मिशाल और असवद तीन बेहतरीन दोस्त थे। महरीन की दादी इससे नफरत करती है क्योंकि इसके वालिद मंशियात के आदी हैं। एक दिन महरीन के वालिद अपनी बीवी राबिया के हाथों पकड़े जाते हैं धोखा दही और मंशियात खरीदने के लिए, इसके जेवरात चुराने के लिए। वो इसे धमकी देकर छोड़ देती है कि वह महरीन को अपने साथ ले जाएगी। मंसूर, महरीन के वालिद, जो महरीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटी के इससे हमेशा दूर होने के ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हेरोइन की ज्यादती से खुदकुशी कर लेते हैं। नंबर 11, परीजात। कहानी एक स्याह फॉर्म कॉलेज के तालबे इलम परीजात के गिर्द घूमती है। परीजात वो शख्स है जो खुद एतमादी और एतमाद के मसाइल के साथ परवान चढ़ा है। इसके बारे में मुआशे के फैसले के बावजूद वो बहुत मेहनती, इंतहाई इज्जतदार और खुश इखलाक है और जिससे भी मिलता है इस पर एक देरपा तासुर पैदा करता है। यह ड्रामा हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों के सफ़र के साथ ले जाता है जिनसे वो अपनी ज़िंदगी में मुलाकात करता है। जब वो शायरी के अपने हकीकी जज्बे को मुंतखिब करने या एक हकीकत पसंदाना मुलाजमत का इंतखाब करने की अपनी अंदरूनी लड़ाई से निमटता है जो इसके ख़ानदान को आमदनी फराहम कर सके। नंबर 10, बिन रोए। सबा अपनी बेहतरीन दोस्त और कज़न इर्तज़ा की मोहब्बत में दीवानी है। सबा और इर्तज़ा एक साथ बड़े हुए हैं और इर्तज़ा सबा का बहुत ख्याल रखता है। सबा एक एक्सट्रोवर्ट है जो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारती है और इर्तज़ा से अपनी तमाम बचकाना मुतालबात को पूरा करने की तवक्को रखती है। इर्तज़ा खुशी से सब कुछ करता है जो सबा मांगती है और इसे खुश देखकर खुशी महसूस करता है। इर्तज़ा ने अपनी आला तालीम के लिए अमरीका जाने का फ़ैसला किया। सबा यह सुनकर नाखुश है और इर्तज़ा पर नाराज़ हो जाती है। इर्तज़ा ने सबा से बात की और इसे बताया कि वह सिर्फ 2 साल में वापस आएगा। इर्तज़ा अमरीका चला जाता है और वहाँ पढ़ते हुए अपनी कज़न समन को पसंद करने लगता है। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो पाकिस्तान आता है और सबा इसे देखकर बहुत खुश होती है। जल्द ही समन के वालिदैन हवाई जहाज़ के हादसे में इंतकाल कर जाते हैं और समन इर्तज़ा के साथ अपने बड़े हुए ख़ानदान के पास जज्बाती मदद के लिए पाकिस्तान आती है। सबा और इर्तज़ा समन का ख्याल रखते हैं। जल्द ही सबा को पता चलता है कि समन इसकी कज़न नहीं बल्कि इसकी बड़ी बहन है और समन को इसके चचा ने गोद लिया था जब वो बच्ची थी। यह हकीकत सबा और समन को एक दूसरे के करीब लाती है। समन और सबा दोनों एक बहुत ही करीबी बहन भाई का रिश्ता बांटने लगती हैं। एक दिन सबा को एहसास हुआ कि समन और इर्तज़ा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अपनी बहन से मोहब्बत करने के बावजूद वो हसद और गुस्से के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नंबर 9, अलिफ़। अलिफ़ मोमिन और मोमिना के सफ़र की कहानी है जहां मोमिन का सफ़र अपनी जड़ों को दोबारा दरियाफ्त करना और सही रास्ते का इंतखाब करना है, जबकि मोमिना का सफ़र अपने ख़ानदान की रोज़ी रोटी बरकरार रखने के लिए है जिसमें इनके रास्ते आपस में मिलते हैं। इस कहानी में मोमिन की माँ हसन जहाँ भी शामिल है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक बागी फिल्म साज और एक जद्दोजहद करने वाली अदाकारा दोनों ही परेशान माजी के साथ एक ही रास्ते पर आते हैं और अलिफ़ की इस्लाहात को समझते हैं जो एक फ़र्द के अपने खुदा के साथ बंधन की मिसाल देते हैं। नंबर 8, यकीन का सफ़र। यकीन का सफ़र की कहानी सोबिया खलील से शुरू होती है
जो एक नौजवान लड़की है जो अपने जस्मानी तौर पर मुतशद्दिद बाप के हाथों अपनी माँ की अचानक मौत पर मातम करती है। सोबिया को लेक्चर के अहम नोट लेने के लिए एक दोस्त के घर जाना पड़ा और इसकी वालिदा को इसके साथ जाने पर इसरार किया। इसके बावजूद के इसकी वालिदा ने इनके ड्राइवर के साथ घर से बाहर जाने से मना किया था। जब खलील को मालूम हुआ कि ज़ोबिया की वालिदा ने इस हुक्म की नाफरमानी की तो इसने इसे इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गई और अपने बिस्तर के कोने से टकरा कर फौरन ही हलाक हो गई। ज़ोबिया की खाला महजबीन पहुंची और ज़ोबिया को तसल्ली दी। खलील ज़ोबिया के पूरे ख़ानदान को इनकी वालिदा की मौत की वजह से खामोश करने की कोशिश में धमकी देता है। नंबर 7, हम सफ़र। हिरत एहसन का ताल्लुक हैदराबाद के एक छोटे मतवसत तबके से है और वह अपनी बेवा माँ मेमोना के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है, इसने हाल ही में अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मुकम्मल की है और रियाजी में बहुत मजबूत है। मेमोना का भाई बसीरत हुसैन एक खुद साख्ता करोड़पति है जो कराची में रहता है। इसकी शादी फरीदा से हुई है जो एक समाजी कारकुन है जो इंसानी हकूक की एनजीओ चलाती है। इनका एक बेटा है अशर, जिसने येल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और वह अपने वालिद के साथ खानदान की आला ताकत वाली फर्म चलाता है। मेमोना को कैंसर की तशखीस के बाद बसीरत फिर इसे और हिरत को इलाज के लिए कराची में अपने बड़े घर ले जाता है। जब इसे मालूम हुआ कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेमोना ने बसीरत से कहा कि वो खीरत की शादी का बंदोबस्त करे। बेहतर देखभाल न करने पर कसूरवार महसूस करते हुए बसीरत ने वादा किया कि अशर खीरत से शादी करेगा। नंबर 6, अलिफ अल्लाह और इंसान। अलिफ अल्लाह और इंसान एतमाद, वफादारी और रिश्तों की मोहब्बत की कहानी है। कहानी 5 बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले 5 मुख्तलिफ लोगों और इनके ईमान और यकीन के गिर्द घूमती है। यह इस तसव्वुर को उजागर करती है कि तख्लीक कार इन लोगों को किस तरह अजर देता है जो मेहनत और सब्र पर यकीन रखते हैं। नंबर 5, शहरेज़ाद। शहरेज़ाद एक खूबसूरत दिन में ख्वाब देखने वाले फलक शेर अफगन के गिर्द घूमती है जो अमीर वालिदैन की इकलौती औलाद है। फलक फनून लतीफ़ा की एक तालिबा है जो अपने ख्वाबों के आदमी का मुजस्मा बनाती है और जब सलमान इंसार में इसका सांस लेने वाला मंजर पाती है तो मोहब्बत में सर झुक जाता है। लेकिन फलक जितना ज़्यादा सलमान के करीब जाने की कोशिश करती है, इतना ही वो इसे नज़रअंदाज करता है। हमजा, फलक का करीबी दोस्त, इसे बहुत मोहब्बत करता है। फलक एक अरसे से इसकी मोहब्बत से गाफिल है। फलक हमेशा तवज्जो का मरकूज रही है और कभी किसी चीज़ से महरूम नहीं रही। फलक की वालिदा महरुनिसा ने इसका रिजक दुनियावी ज़िंदगी के मुताबिक बनाया। फलक और सलमान की शादी हो जाती है और इब्तदाई दिनों में सलमान अपने ससुर शेर अफगन के तहफ़ुज़ात के बावजूद एक अच्छे शोहर साबित होते हैं। फलक की खुशी क़लील मुद्दती है क्योंकि सलमान को अपनी फैक्ट्री में एक अनपढ़ और घटिया मुलाजम ताबिंदा से मोहब्बत हो जाती है जिसके साथ इसका गैर अज़दवाजी ताल्लुक शुरू हो जाता है। नंबर 4, दियारे दिल। दियारे दिल एक गैर फाल ख़ानदान की जिंदगियों की पैरवी करता है जिसकी क़यादत आगा जान और इनके पोते वली और फरा करते हैं। कहानी को बड़े सीरियलाइज्ड अंदाज में बयान किया गया है। यह वली और फरा की जिंदगियों के गिर्द घूमता है जो अपने ख़ानदान को दोबारा जोड़ने के लिए एक दूसरे के साथ वाबस्तगी पर मजबूर हुए थे। जो आगा जान के बड़े बेटे बहरोज की वजह से बहुत पहले टूट गई थी जब इसने अपनी शादी के लिए अपनी तवील मंगनी ख़त्म कर दी थी। नंबर 3, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा। सारा आरफीन अब्बास के घर पहुंच गई। वो इसे एक ख़त देती है जिसे पढ़कर वो परेशान हो जाता है। आरफीन सारा से पूछती है कि सबा कहाँ है और वो जवाब देती है कि वो 4 दिन पहले मर गई थी। वो गिर जाता है, अपना सुकून बहाल करता है और सारा से इसका पता पूछता है ताकि वो इसका सामान इकट्ठा कर सके। जब वो सारा के मामूली घर पहुँचता है तो वो सबा के सोने के कमरे में इसकी चीज़ें लेने जाता है।
आरफीन को सबा की पुरानी सैंडल का एक जोड़ा मिल जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। सारा हैरान है कि वो इतना गमज़दा क्यों है। वो आरफीन की जायदाद में वापस आते हैं और इसने सारा को अपने बेटे हैदर से मिलवाया। मालूम हुआ कि सबा सारा की वालिदा और आरफीन की कज़न थी। नंबर 2, जिंदगी गुलजार है। ड्रामे की कहानी कशफ मुर्तजा और ज़ारून जुनेद की जिंदगी के गिर्द घूमती है। कशफ का ताल्लुक निचले मुतवसत तबके के खानदान से है और वह अपनी वालिदा राफिया और अपनी दो बहनों सिदरा और शहनीला के साथ रहती है। राफिया के शोहर मुर्तजा ने राफिया को बेटे की पैदाइश ना होने की वजह से छोड़ दिया था। मुर्तजा ने दूसरी शादी की जिसने आखिरकार इसके बेटे हमाद को जन्म दिया। खानदान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से कशफ तलख और गैर महफूज हो जाती है और मर्दों पर एतमाद नहीं करती। राफिया एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के तौर पर काम करती है और शाम को बच्चों को ट्यूशन देती है ताकि अपना खर्चा पूरा कर सके। इसकी बेटियाँ भी बुनियादी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरह तरह की कुर्बानियाँ देती हैं। ज़ारून जुनेद का ख़ानदान इनके वालिद जुनेद पर मुश्तमिल है जो पुरसकून और बालिग है। इनकी वालिदा गुज़ाला जुनेद एक आज़ाद काम करने वाली माँ है। ज़ारून की बहन सारा की ज़िंदगी के बारे में वही ख्यालात हैं जो इसकी माँ के हैं। ज़ारून के करीबी दोस्तों का हलका असमारा और उसामा पर मुश्तमिल है। नंबर 1, कैद तन्हाई। कैद तन्हाई एक जोड़े आयशा और मोईस की कहानी है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वह एक दूसरे से शादी करना चाहती हैं लेकिन मोईस की वालिदा आलिया से शर्त रखती है कि अगर इनकी बेटी मलीहा आयशा के भाई से शादी करती है तो वो राज़ी हो जाएंगी। वो एक दूसरे से शादी करते हैं फिर ख़ानदानी और माली दबाव की वजह से अलग हो जाते हैं। जो आयशा की सास मोईस पर था, आयशा नहीं चाहती थी कि मोईस बैरून मुल्क जाए और इस बात पर इसरार करे कि ख़ानदान किसी बड़ी माली परेशानी में नहीं है। अपनी माँ से मुतासिर होकर मोईस अपने ख़ानदान के लिए पैसा कमाने के लिए बैरून मुल्क चला जाता है। वैसे भी आयशा को अपनी बेटी के साथ तबाह कर दिया जाता है। अगरचा वो पैसे कमाने में सख्त मेहनत कर रहा है, वो अनीला नामी खातून से भी दोस्ती करता है। मोईस आयशा को अनीला के बारे में बताकर नाराज़ करता है और आयशा इस पर जेलसी महसूस करने लगती है। अनीला और मोईस जाहिर है इस वक्त डेटिंग कर रहे हैं। परेशान अफसरदा आयशा मोईस का इंतज़ार करती है कि वह इसे मिलने पाकिस्तान आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।